वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट रूल हमारे पास रूल नंबर 23, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें वन अपॉन, जैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस टाइप के लिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ ए पहले कोस एक्स हो और बाद में साइन एक्स हो तो, ठीक है। इस टाइप के लिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दोनों साइन या फिर दोनों कोस के नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास रूल है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इनके कोफिशियंट, कोफिशियंट कितना इनका ए और बी, कोफिशियंट मतलब कोफिशियंट का स्क्वेयर ए स्क्वेयर और उनका सम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, का रूट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब डिवाइड में। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारे पास है फंक्शन है जैसे वन अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हमारे पास ए कितना है यहाँ पर वन और बी है रूट थ्री, तो रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ ए स्क्वेयर वन का स्क्वेयर वन प्लस रूट थ्री का स्क्वेयर क्या होगा थ्री, और वन प्लस थ्री फोर, रूट फोर इक्वल टू टू, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है, इन डिनोमिनेटर। तो जैसे क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू से तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड में जो टू है जैसे उसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे वन बाई टू साइन एक्स और प्लस रूट थ्री बाई टू कोस एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें, तो क्या होगा सिंपली, जैसे अब वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब जैसे जो ये वैल्यू होंगी वन बाई टू रूट थ्री बाई टू या फिर इसी प्रकार से, ठीक है, तो जो पहले होगा उसको तो कोस की टर्म में, कोस की टर्म में लिखेंगे, ठीक है, और बाद वाली को साइन की में। अब जैसे हमारे पास है वन अपोन वन बाई टू, कोस वन बाई टू कहाँ पर होता है, कोस वन बाई टू कोस पाई बाई थ्री पे, तो क्या हमारे पास साइन एक्स कोस पाई बाई थ्री, मतलब कि जो पहले होगा उसको कोस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरे को साइन की एक्सप्रेस में, ठीक है। जैसे साइन एक्स इंटू कोस पाई बाई थ्री प्लस हमारे पास क्या है कोस एक्स इंटू, अब रूट थ्री बाई टू, साइन रूट थ्री बाई टू कहाँ पर होता है, साइन रूट थ्री बाई टू पाई बाई थ्री पर, ठीक है, पाई बाई थ्री मतलब कि 60 डिग्री पर। जैसे साइन पाई बाई थ्री मतलब साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, ठीक है, और कोस पाई बाई थ्री जैसे यहाँ पर था कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री मतलब कोस 60, कोस 60 कितना था वन बाई टू, तो इस प्रकार से, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन, अब जैसे हमारे पास है वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड में क्या हमारे पास वन अपोन, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो मतलब साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, अब जैसे हमारे पास था डिवाइड में दो टर्म थी, दो टर्म का मतलब बीच में प्लस माइनस का साइन, ठीक है, और हमने इसको चेंज करके क्या बना लिया डिवाइड में एक टर्म, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम सिंपली, जैसे हमारे पास है वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई साइन किसके इक्वल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाई थ्री इंटू डी एक्स। अब कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
जैसे हमारे पास है 1/2, कोसिकेंट एक्स का क्या था, कोसिकेंट लॉग ऑफ, कोसिकेंट एक्स मतलब कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस कोट एक्स मतलब कोट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री और प्लस सी। ठीक है, यह तो बेसिक फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हमें इस टाइप के लिए सोल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है फंक्शन, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन एक्स अपॉन 1 + sin x का रूट, ठीक है, इंटू डी एक्स इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या था कि जो भी रूट या पावर के अंदर होगा वैसा ही बना लेते हैं। अब पावर के अंदर क्या हमारे पास 1 + sin x, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 1 + sin x, मतलब कि साइन एक्स तो है सिंपली, तो 1 को ऐड कर लिया और 1 को सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब अलग अलग के नीचे मतलब 1 + sin x डिवाइड बाई √1 + sin x, 1 + sin x की पावर 1/2, तो क्या होगा सिंपली ऊपर क्या होगा 1 + sin x का रूट। ठीक है, और क्या है साथ में हमारे पास माइनस 1 / 1 + sin x का रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है 1, जैसे हमें पता है कि sin 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, तो यहीं से और साइन एक्स किसके इक्वल होगा, 2 sin, यहाँ पर एंगल 2x था तो x मतलब कि एंगल का, अगर एंगल x है तो एंगल का मतलब x/2 इंटू कोस x/2। हमारे पास क्या है साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और साथ में क्या 1। अब जैसे पता है हमें पता है कि sin²x + cos²x 1 के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब कि एंगल इक्वल होने चाहिए, तो अगर यहाँ पर x/2 हो तो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब जैसे हमारे पास है √1, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम sin²x/2 प्लस cos²x/2 और प्लस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर होगा माइनस 1 अपॉन, यहां पर भी अब जैसे किसका फॉर्मूला है a + b² ठीक है, अब जैसे यहां पर भी यही लिखेंगे तो क्या होगा a + b² मतलब a क्या है sin x/2 और b क्या हमारे पास cos x/2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, और उसका रूट हमारे पास, ठीक है, उसका स्क्वेयर रूट है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना में, तो क्या होगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, अब जैसे ये a + b का होल स्क्वेयर है तो क्या होगा sin x/2 + cos x/2। ठीक है, और जो इसका स्क्वेयर होगा उससे स्क्वेयर रूट कैंसिल, ए हमारे पास ये और माइनस क्या हमारे पास 1 अपॉन, नीचे क्या है रूट से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा sin x/2 + cos x/2 ठीक है इंटू डी एक्स। अब हमारे पास है, अब 3 टर्म है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पता करना हमें, तो क्या होगा सिंपली sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x मतलब कि -cos(x/2) और डिवाइड किससे मत करना भूलना, एक्स की कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट कितना है यहाँ पर 1/2 मतलब कि डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, और अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin x/2 और डिवाइड में क्या होगा एक्स का कोफिशियंट। ठीक है, अब जैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें, तो क्या होगा अब हमारे पास है -1/sin x/2 + cos x/2 और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप है, डिवाइड में अलग अलग है दो, एक साइन दो टर्म है और अलग अलग है। ठीक है, तो क्या था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a² + b² ठीक है, a कितना है 1 और b भी 1 है मतलब कि √1 + 1 मतलब कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
अब जैसे हमारे पास है ये तो एज इट इज, ठीक है, मतलब कि अभी टू यहाँ पर है डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, टू कॉमन है, टू कॉमन हमारे पास और इन टू में जैसे प्लस की टर्म पहले लिख लेते हैं साइन एक्स बाई टू और साथ में माइनस कोस एक्स बाई टू। अब यहां पर क्या होगा, माइनस वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कि रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड में, ठीक है, तो क्या होगा वन बाई रूट टू साइन एक्स बाई टू और साथ में क्या होगा प्लस वन बाई रूट टू कोस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। हमारे पास है जैसे टू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस वन बाई रूट टू, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन। अब जैसे हमारे पास है पहले कोफिशियंट को क्या पुट करना था, कोस थीटा और दूसरे को साइन थीटा, ठीक है, तो अब वन बाई रूट टू कहाँ पर होता है, कोस में, कोस 45 डिग्री पर, कोस 45 का मतलब कोस पाई बाई फोर और साइन एक्स बाई टू प्लस अब साइन, तो क्या होगा साइन पाई बाई फोर और कोस एक्स बाई टू, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा यहाँ से टू इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू और साथ में हमारे पास माइनस वन बाई रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन। अब हमारे पास है जैसे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, मतलब कि साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू या फिर उल्टा, ठीक है, सेम बात है, ठीक है, और इंटू डी एक्स, तो क्या होगा टू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस वन बाई रूट टू। अब जैसे वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट थीटा इज इट इज इंटू डी एक्स, ठीक है, तो क्या होगा ये तो एज इट इज टू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस वन बाई रूट टू। अब कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, मतलब लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स क्या है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस कोट और ये जी टी, ठीक है, और साथ में क्या होगा प्लस सी, ठीक है, और क्या था एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड करना, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है हमारे पास वन बाई टू, मतलब कि वन बाई टू से डिवाइड, मतलब कि डिवाइड बाई वन बाई टू और वन नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब टू के क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।